Assalamu alaikum. It is the part 7 of Everything You Should Know About Periodic Element. Today in this lecture, I'm going to explain francium element. What is francium? Francium एक chemical element है, एक alkali metal है, extremely radioactive है, chemical properties cesium element से resemble करती हैं, heavy element है और valence shell में single electron मौजूद है. सीजियम को Fr के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है. इसका एटॉमिक नंबर 87 है. एटॉमिक मास 223. ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है. स्ट्रॉन्गली बेसिक ऑक्साइड है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Rn7s1 है. मेल्टिंग पॉइंट 27 डिग्री सेंटीग्रेड. बॉइलिंग पॉइंट 677 डिग्री सेंटीग्रेड. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग 0.79 है. आयोनाइजेशन एनर्जी 393 किलो जोल पर मोल है. रॉक एस में मौजूद है. पीरियड 7 में लाया करता है. ग्रुप 1 से बिलोंग करता है. इलेक्ट्रॉन पर शेल 2, 8, 18, 32, 18, 8, 1. डेंसिटी 2.48 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. रिलीजन ऑफ फ्रेंसियम. फ्रेंसियम एलिमेंट को 1939 में फ्रांस में रहने वाले एक फिजिस्ट मार्गरेट पेरे ने डिस्कवर किया था और इन्होंने इसको डिस्कवर एक्टिनियम के रेडियोएक्टिव आइसोटोप से किया था. इसको पहले इकासीजियम या एक्टिनियम के भी कहा जाता था. फ्रांसियम का लव डिराइव हुआ है उसी कंट्री से जहाँ पर ये डिस्कवर हुआ है, फ्रांस. प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेंसियम. फ्रेंसियम एक हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. एसटीपी पर या 20 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर यह सॉलिड है. काफ़ी हैवी है और अनस्टेबल रेडियो एक्टिव मेटल है और इसकी हाफ लाइफ तकरीबन ओनली 22 मिनट्स है, जो कि मैक्सिमम है. मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो है. वाटर के साथ वॉलेंटली रिएक्ट कर देता है. आयोनाइजेशन एनर्जी वाटर से थोड़ी सी ज़्यादा है. फैक्ट्स ऑफ फ्रेंसियम. फ्रेंसियम काफ़ी रेयरेस्ट एलिमेंट है. इट मींस कि ये अर्थ क्रस्ट में बहुत कम पाया जाता है. सेकंड नंबर पर ये पाया जाता है एस्टेनिन के बाद. यही वजह है कि इसके कमर्शियल यूजेस नहीं हैं. सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है सीजियम के बाद. फ्रेंसियम के दूसरे नाम एक्टिनियम के और इका सीजियम हैं. फ्रेंसियम की 34 नॉन आइसोटोप्स हैं और दो जो हैं वो स्टेबल हैं, फ्रेंसियम 223 और फ्रेंसियम 221. फ्रेंसियम 223 सबसे स्टेबल आइसोटोप है, बाकी सारे अनस्टेबल हैं. और ये वो पहला एलिमेंट है जो सबसे आखिर में डिस्कवर हुआ था. केमिस्ट ने ये सोचा कि सीजियम के बाद लाजमी जो है एक एलिमेंट आना चाहिए. पीरियोडिक टेबल में सीजियम के बाद एक ब्लॉक खाली रह गया था और वहाँ पर उस ब्लॉक को फिल करने के लिए ये एलिमेंट की तलाश में थे. सिंथेसिस के अलावा इसकी जो डिस्कवरी है वो पीरियोडिक एलिमेंट्स में सबसे बाद में हुई थी. यही वजह है कि इसका दूसरा नाम इका सीजियम भी है. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.